हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रमीन्स फूड एंड व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। ये है जी सुबह का टाइम और बच्चों को भेजने के बाद और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, वीडियो बनानी स्टार्ट की। कुछ चीज़ें जो थी मैं लेके आई थी मार्केट से, तकरीबन ये 11:30 बजे का टाइम होगा, तो मार्केट गई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो इनको मैंने निकाल दिया है कंटेनर्स में, क्योंकि पैकेट्स के अंदर मुझे चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और वैसे भी इस तरह जो है ना सेफ़ हो जाती हैं और साफ़ सुथरी रहती हैं, एयर टाइट रहती हैं। उसके बाद जी मैंने अपने किचन को लगाई थी लाइट्स और ये मैंने खुद लगाई थी। कैसे लगाई थी ये मैं आपको सारा प्रोसीजर बताती हूँ। किसी वर्कर की आपको ज़रूरत नहीं है। ये लाइट्स मैं ले आई थी 3 मीटर और ये तकरीबन 800-900 रुपये की मुझे मिली थी, ठीक है। इसके साथ मैंने एक कनेक्टर लगवा दिया था जिसको आप एक्सटेंशन टाइप कह सकते हैं और वो बेसिकली एक वायर होती है, ठीक है। और वो वायर आपने उतनी लगवानी है जितनी ये आपके सॉकेट तक जा सके, ठीक है। सबसे पहले तो आपने अपना जो है ना किचन का फ्रेम चेक करना है या वॉल चेक करनी है जहाँ पर अपने लाइट को फिट करना है। फिर आपने उसको मेजर कर देना है, चाहे आप इंचिस में कर लें, सेंटीमीटर्स में कर लें या आप यार्ड्स में कर लें। उसके बाद भी आपने चेक करना है कि हमें कितनी लंबी तार चाहिए, कितनी लंबी हमें वायर चाहिए जो कि हमारे सॉकेट तक जा सकती है। तो मुझे चाहिए था 3 मीटर क्योंकि मैंने अपने जो फ्रंट जो हुड था ना, हुड वाला एरिया, वहाँ पे मैंने लगानी थी, तो 3 मीटर ले आई थी। इसके साथ ये ब्रैकेट्स में ले आई थी और इसके साथ ये जो नेल्स हैं ना, ये ऑलरेडी इंसर्ट हुए होते हैं और ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को आराम से इसमें फ़िक्स कर सकते हैं। छोटे साइज़ में भी होती है, तो ये वाले जो आपने ब्रैकेट्स लेनी है ना, अपने लाइट के हिसाब से लेनी है, ठीक है। मेरे पास ये वाली वायर थी जिसके अंदर ऑलरेडी लाइट फिक्स हुई हुई है और इसके ऊपर जो है ना आराम से, ये देखें, इसको लंबाई में लगाना चाहें तो भी आ जाएगा और अगर आप इसको चौड़ा करके भी लगाना चाहते हैं ना तो फिर ये इसमें आ जाता है। और ये था वो एरिया जहाँ पे मैं ये फ़िक्स करूँगी। किस तरह से फ़िक्स करूँगी ये देखने के लिए आपको वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। ये देखें, इस कैबिनेट से लेके और एंड वाली कैबिनेट तक मुझे करना है। ऑल तो इसमें LED लाइट जो थी ना फिक्स थी, लेकिन वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हुई थी और उसको एक नए प्रोसीजर से जो था ना रेनोवेट करना था, तो जब तक वो काम नहीं होता तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये खुद कर लूँ। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस थोड़ी सी आपको एफर्ट और अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, लाइट क्योंकि मैंने मुझे चाहिए थी स्टोव के लिए कम थी, तो मैंने अंदर वाले पार्ट में लगाऊंगी ताकि इस स्टोव के ऊपर मेरी जो है ना लाइट आ सके। और सेकेंडली, अगर आपने कुकिंग वीडियो बनानी होती है तो आपको लाइट की बड़ी ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको खुद ही लगा दूँ क्योंकि किसी वर्कर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले जब मैंने हुड के अंदर से हालत देखी तो देखिए कितना ग्रीसी हुआ है। इसके लिए मैंने यूज़ किया जी एस्टोनिश, क्योंकि चिमनी नहीं लगी हुई तो ये देखिए कितना ग्रीसी है। और सबसे पहले जी आपने इसको क्लीन करना है और ये क्योंकि वाटरप्रूफ भी होता है, ये वाली जो हुड लगी हुई है ये वाटरप्रूफ भी है और ये जो है इसको ईजिली वॉशेबल भी है। तो मैंने सबसे पहले जो है ये जो था लगा दिया था स्प्रे, और एस्टोनिश स्प्रे है और बहुत ही अच्छा ये मुझे लगता है, ठीक है। तो ये आपने स्प्रे करने के बाद इसको छोड़ देना है, कोई 5 से 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद कॉटन का आपने साफ़ क्लॉथ लेना है, ख़ासतौर पे जो आपके पास जो होती है ना पुरानी शर्ट्स बच्चों की या आपकी अपनी हौजरी क्लास जो शर्ट्स होती हैं उससे बड़ी अच्छी सफाई होती है, लेकिन कपड़ा आपका साफ़ होना चाहिए। अच्छा, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी था तो फिर मुझे थोड़ी एफर्ट करनी पड़ी इसको साफ़ करने के लिए और 2 दफ़ा मैंने स्प्रे किया था। और ये देखें आपके सामने रिजल्ट है कि कितना ये क्लीन हो गया है। बाकी जो है मेरी हेल्पर आएगी तो उसके साथ मिलकर बाकी जो है हुड में अंदर से साफ़ करूँगी और देखें कितनी शाइन भी आ गई है और लुब्रिकेंट भी हो गया और बहुत क्लीन हो गया। अब जी मैंने क्या किया है कि ये जो ब्रैकेट्स ली हुई थी ये एक हम लगाएंगे इसके कॉर्नर पे और इसी तरह मैंने ना इस सब कॉर्नर्स पे और मिडल पे ये जो थी ना ब्रैकेट्स इंसर्ट कर ली थी और सिंपली उसके अंदर मैंने वायर को जो था इस तरीके से डाल दिया था, जिस तरह आप सुई में धागा डालते हैं ना उसी तरीके से आपने डाल देनी है। और ये देखें कितनी आसानी से हमारी जो है ये लग गई थी लाइट्स। और इसके लिए जी हमने इस्तेमाल की, मैंने इस्तेमाल की थी हैमर नहीं है तो जिससे आप पीसते हैं ना मसाला वगैरह, तो वो डंडा ले लें, हैवी सा कोई भी डंडा लेके आराम से ये नेल जो है ना लकड़ी के अंदर इंसर्ट हो जाए। अच्छा, अगर आप दीवार पे लगा रही है ना तो दीवार पे लगाने के लिए आपने जो नेल्स हैं ना वो अच्छे वाले लेने हैं या आपने ड्रिल से उसके अंदर सुराख करने हैं, क्योंकि दीवार के अंदर और लकड़ी के अंदर सुराख करने में फ़र्क होता है। तो ये जो बेसिक, बस इस तरीके से मैंने अपने किचन को जो था एनलाइटन कर लिया था और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था कि मैंने खुद से एफर्ट कर लिया। उसके बाद कबाब फ्राई करने वाले थे वो मैंने कर लिया और यहाँ पे जी मैं हेयर मायोनीज बना रही हूँ। 4 बड़े चम्मच मैंने मायोनीज के लिए, वही मायोनीज जो हम सैंडविच पे लगाते हैं सिंपल वाली, 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल के डाले हैं। और आपने फ्रेश नहीं लेना, ये आपने बॉटल वाला ही लेना है एलोवेरा जेल, क्योंकि वो अनप्रोसेस्ड होता है, ये प्रोसेस्ड होता है। और इसमें मैंने 4 बड़े या 5 बड़े चम्मच मैंने जो डाले थे हेयर ऑयल के और अच्छे से मिक्स कर लिया था, और 1 छोटा चम्मच राइस फ्लावर का डाला था। बस ये 4 चीज़ें डाल के अच्छे से मैंने मिक्स किया तो वो एक बड़ी अच्छी सी हेयर मायोनीज बन गई है। उसके बाद जी
बेटी के बालों में लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रफ थे और कर्ली थे, तो इसको मैंने ये मास्क बेसिकली लगाना था। और ये बड़ा अच्छा मास्क करता है कि बालों को आपके बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है। मॉइस्चराइज़ इतना करता है कि जो आपकी मायोनीज़ है ना, वो तो बनी ऑयल से होती है और उसके अंदर एग वाइट भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मायोनीज़ से मिल जाएंगी। और इस तरीके से अपने सेक्शंस करके, और ये जिस तरह हम हेयर कलर लगाते हैं ना, क्योंकि बेटी के बाल जो थे बहुत ज़्यादा ड्राई थे और कर्ली भी हैं, तो मैंने इस जो इस तरह से हेयर कलर जो ब्रश है ना, उसकी मदद से मैंने सारे अच्छे तरीके से रूट्स में भी लगा लिए थे और एजेस पे भी लगाए थे। तो आपके बाल अगर स्ट्रेट हैं और आपने सिर्फ उसको मॉइस्चराइज़ करना है, तो आप ऑयल की तरह भी इसको यूज़ करते हैं, जैसे अपने ऑयल अपने हाथ में लिया और लगा देते हैं। और टॉप टू टिप टू टॉप आपने इसको लगाना है, घंटे डेढ़ के लिए अपने छोड़ देना है। जब तक ये हो रहा था तो मैंने कुकिंग करनी थी आज, तो कुकिंग करने को बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे जी मैंने निकाल लिए फ्रोज़न फ़िश, जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है, और सोचा है कि इसका मैं तवा फ्राई मसाला फ़िश बनाती हूँ। किस तरह से बनाई थी, प्याज और टमाटर को इसी तरीके से मैंने चॉपर में कर लिया था बारीक बारीक। दो छोटे प्याज लिए थे और दो बड़े टमाटर ले लिए थे। थोड़ी सी हरी मिर्च लेके तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसके ऊपर सारा ये प्याज टमाटर का मिक्सचर डाल के और हरी मिर्च काट के डाल के, नमक मिर्च हल्दी सिंपल डाली थी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट मसाले डालने की ज़रूरत नहीं थी। और एक लीमू इसके ऊपर मैंने छिड़क दिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसको भून के, मसाले की स्मेल जब आ रही थी तो पानी डाल के भून लिया था, और ढक्कन लगा के उसको गलने के लिए, मसाला बनने के लिए छोड़ दिया था। और दूसरी तरफ जी मैंने फ़िश फ्राई कर दी थी। फ़िश जो थी किस तरह फ्राई की थी, सिंपली आप इसको एयर फ्राई कर लें, चाहे आप इसको डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई कर लें, बस आपने इसको फ़िश को करना है फ्राई। और ये जो मसाला बना हुआ है ना, ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया। इसके ऊपर अपने फ्राई फ़िश जो आपने की हुई है वो आपने दम लगा देना है रख के ऊपर, और ये बड़े अच्छा जो है आपका जो है मसाला फ़िश जो है तैयार हो जाती है, और इसे एटलीस्ट जो है ना आप खाना खा सकते हैं। अदरवाइज़ फ्राइड फ़िश तो है, बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं, उनको वैसे भी रोटी के साथ खानी पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज जो है इस तरीके से करती हूँ कि दोनों जो है मेरे काम जो है ना, खाना भी खाया जाए और फ़िश भी जो है इस तरीके से यूज़ हो जाए। उसके बाद जी बेटी की हेयर वॉश करवाई है रमीन के, और आप रिज़ल्ट देखें कि इतने इसके डेड और ड्राई बाल थे, स्पेशली विंटर्स में तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और ये देखें इसमें आपको शाइन फील हो रही होगी। अभी मैंने कोई इसको ड्रायर नहीं लगाया, क्योंकि इसके ड्राई बालों में ड्रायर जो है ना आप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, उससे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। नेक्स्ट ये आपके हाथ और पैर या स्किन के ऊपर जो टैननेस हो जाती है या ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी है। केले का छिलका ले लें या केले की पेस्ट ले लें, वैसे छिलका जो होता है ना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। ये मेरे पास थोड़ा डेड सा था, लेकिन आप हेल्थी केला ले लें, उसके बस पोक की मदद से जो उसका वाइट वाइट अंदर एरिया होता है ना, उसको आपने एक्टिव कर लेना है। उसके बाद जो आपने थोड़ी सी कॉफ़ी दो तीन चुटकी लेके डालनी है, और एक दो चुटकियाँ आपने डालनी है राइस फ्लावर की, जो चावलों का आटा होता है वो, और थोड़ा सा हनी डालना है जो कि इस पील के ऊपर आ जाए, और एक चुटकी बेकिंग सोडा की डाल के आपने अपने स्किन पे, अपने पैरों पे, अपने हाथों पे, अपने फेस पे भी आप लगा सकते हैं, अंडर आर्म से भी लगा सकते हैं। और लगाने के बाद रब करना है और थोड़ी देर छोड़ देना है, और फिर ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और उसके बाद आपने 10 मिनट तक कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, बहुत अच्छा रहता है, स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करता है और स्किन में ग्लो भी आता है। और ये है जी शाम का टाइम, यहाँ पर जी मैंने अपना ड्रेस निकाला है, ये सिंपल सा ड्रेस है, और नेक लाइन पे और फ्रंट पे जो है ना इसकी काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये थी जो मेरी फाइनल लुक, और बच्चों को भी मैंने कर दिया था तैयार। और यहाँ पे जो मेरी आज बर्थडे थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम करेंगे डिनर, और फैमिली टाइम कुछ स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे नैंडोस, और यहाँ से बस खाना वाना ऑर्डर किया, खाना खाया, थोड़ा अर्ली आ गए थे क्योंकि बच्चों का स्कूल वीक था और थोड़ा इनको सुबह स्कूल भी जाना होता है, इसलिए थोड़ा सा अर्ली आ गए थे। और बस खाना वाना खाया और क्वालिटी टाइम कुछ स्पेंड किया, और सब ने अपनी पसंद का ये फूड ऑर्डर किया था, और अच्छा सा लाइट सा यहाँ का खाना होता है, कोई इसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं होते। तो यहाँ पे बस इस तरीके से हमने मतलब खाना वगैरह खा लिया था, और उस केक क्योंकि कट नहीं किया हुआ था, तो रास्ते में से ही मैंने केक भी ले लिया। और बच्चों को चॉकलेट पसंद है, तो हमेशा हमारे घर में चॉकलेट केक ही ऑलमोस्ट आते हैं, तो बस इन्होंने कुछ ऊपर बच्चों आइलर हमने राइटिंग करवानी थी, घर आके बस केक कट किया, और जी छोटी सी सेलिब्रेशन कर ली। अपने इवेंट्स को ज़रूर सेलिब्रेट किया करें, छोटे लेवल पे किया करें, बट सेलिब्रेट योर फैमिली टाइम। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आज की वीडियो बस यहीं तक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में।